बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में जो मैंने आपसे बातें करनी हैं दो हिस्सों में, आप लोगों ने कंप्लीट देखनी है, कंप्लीट, ठीक है। ये आप लोगों के लिए है तमाम कंटेंट, तमाम चीज़ें, और बग़ैर टाइम वेस्ट किए जो है आपने, मैं इस वीडियो में जा रहा हूँ, आपने मेरे साथ रहना है। नंबर वन, सबसे पहले वो तमाम लोग जो नॉन यूरोपियंस हैं, नॉन यूरोपियंस हैं पाकिस्तानी, नॉन यूरोपियंस हैं इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, भूटानी, फिलिपिनी, दे आर ऑल नॉन यूरोपियंस। मैं उन तमाम लोगों से मुखातिब हूँ, ठीक है। यहाँ पर दो हिस्से करने की वजह क्या है, वो ये है कि सबसे पहले सवाल ये आता है कि क्या नॉन यूरोपियंस कैन अप्लाई इन यूरोप, जॉब मिलती भी है या ये सब बातें ही हैं, ठीक है। तो ये हम पहले कवर करते हैं। यहाँ पर एक खातून है जो कि एग्जीक्यूटिव करियर एडवाइज़र भी हैं, एचआर कंसल्टेंट भी हैं, लिंक्डइन के ऊपर, इंडीड के ऊपर काफ़ी एक्टिव भी हैं, और 15 इयर्स का इन्होंने बताया कि एक्सपीरियंस भी है, और इन्होंने उसके ऊपर बात की है। तो मैं जो ये जो बात इन्होंने की है, ये बात मैंने आपको कई बार की है, लेकिन इन्होंने तरतीब से लिख दी है। मुझे लिखने में प्रॉब्लम है, मैं लिखता नहीं हूँ, मैं किताबें नहीं लिखता, मैं आर्टिकल्स नहीं लिखता। मेरे पास एक ही सोर्स है कि मैं तमाम डिटेल्स को, तमाम मालूमात को वीडियो के ज़रिए आपके गोश गवार कर दूं। कोशिश मेरी होती है कि उर्दू में करूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। आज भी मैं करने ही जा रहा हूं कि इस औरत ने अपनी जो ऑडियंस से बात की है इंग्लिश में की है, मैं उसको टोटली उर्दू में, कोशिश करूंगा कि आप इंग्लिश में देखते रहें मगर मैं उसको उर्दू में आपके सामने रखूं ताकि आपको तरतीब पता चल जाए कि फाइंडिंग अ जॉब इन ईयू एज अ नॉन सिटीजन ऑफ यूरोपी यूनियन या यूरोप, तो वो कैसे अप्लाई करेगा और क्या तरीकाकार अप्लाएगा और किस तरीके से काम होगा। क्योंकि ये तमाम मालूमात या जॉब अप्लाई करना या ये मेरी CV है, मैं कहाँ के लिए फ़िट हो सकता हूँ, मुझे आप कहाँ भेज सकते हैं, मेरी CV के मुताबिक मुझे कहाँ जाना चाहिए, ये बहुत सारे वाकयात जो हैं ये रोनुमा होते हैं हमारे ऑफिस में जब आप लोग अपनी CV लेके आते हैं और टेबल पर रख के बोलते हैं कि जी, हाथ बांध के कि जी अब मुझे बताएं कि मैं कहाँ के लिए सूटेबल हूँ, आप बताएं, मुझे नहीं पता, आप बताएं। तो हमारा स्टाफ जो है जब वो आपको रिप्लाई करता है कि ये एकदम से आपको मैं नहीं बता पाऊंगी या बता पाऊंगा, इसके लिए एक प्रोसेस है, एक तरीक़ाकार है, क्योंकि आप अपने आप को तो जानते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन को जानते हैं, एक्सपीरियंस को जानते हैं, अपनी डिटेल्स जानते हैं, और उसकी आपके पास किन चीज़ों की प्रूफ्स हैं, किसके नहीं हैं, ये भी आपको मालूम है, और आपके लिए क्या सूटेबल है क्या नहीं है, इसके ऊपर हम अगर आप हमें काम देते हैं तो हमें काम करना पड़ता है। उसके लिए असेसमेंट दरकार होती है, काउंसलिंग दरकार होती है, एक प्रोसेस होता है। इट टेक्स अराउंड 3 डेज, कम से कम 3 दिन लगते हैं, और आप कहते हैं कि एट द स्पॉट जो है ना एक काउंसलर जो है वो तोते की तरह शुरू हो जाए और आधे घंटे में मुझे पूरा ब्रीफ कर दे, लेकिन वही लोग जो आधे घंटे या घंटे की ब्रीफिंग मांग रहे होते हैं, वही लोग मेरे कमेंट कर रहे होते हैं कि जी आपने वीडियो बनाई है 15 मिनट की, 5 मिनट में बात को ख़त्म किया करें। मेरी बात 5 मिनट में ख़त्म करवाते हो और वहाँ पे 1 घंटे की काउंसलिंग मांगते हो, जबकि काम उनका नहीं है। हमारा ऑफिस जो है वो बुकिंग ऑफिस है, वहाँ पर आप प्रोग्राम बुक करवा सकते हैं, मेरे साथ काउंसलिंग बुक करवा सकते हैं, अपनी कोई प्रोसेसिंग करवा सकते हैं, असेसमेंट करवा सकते हैं, एट द स्पॉट कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो आप वहाँ पे कहते हैं ना काउंटर पे, जैसा मुझे बताते हैं कि जी 1 हफ्ते में आप मुझे कहाँ भेज सकते हैं, तो ये बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर ये बातें करनी है फिर ऑफिस आने का, ये जो एक पूरा एक प्रोसेस है ना, आना, पार्किंग करना, ऑफिस में बैठना, तमाम डिस्कस करना, दिस इज़ यूजलेस। क्योंकि हमें अगर हम आपके सोर्स हैं, अगर आप इस सोर्स ज़ाया करोगे तो क्या किस नुकसान किसका है, हमारा तो नुकसान नहीं है, आप चले जाएंगे कोई और आके बैठ जाएगा, कोई और अपनी बात कर लेगा, ठीक है ना, कोई सीरियस क्लाइंट भी आ जाएगा। इस तरीके से दिन में 10 लोग आते हैं, 10 के अंदर कम से कम 2 ही सीरियस होते हैं, 8 लोग जो है वो पता नहीं किस इन्वेस्टिगेशन में होते हैं, किस चक्कर में होते हैं, हमें भी समझ नहीं आती क्योंकि असल में उनका मकसद क्या था आने का। यहाँ पे फाइंडिंग अ जॉब इन EU एज अ नॉन यूरोपियन सिटीजन, मैं एक बार मैंने कहा कि मैं रख रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि यूरोपीय यूनियन में गैर कानूनी, गैर यूरोपी शहरी के तौर पर मुलाजमत तलाश करना, और इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये कहते हैं कि जो तलाश करना गैर यूरोपी शहरों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, और मुलाजमत के बाजार में रास्ते तलाश करना, इस मार्केट को समझना और उन रुकावटों को दूर करना कि जो इस रास्ते में आ सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी कि इस आर्टिकल को या इन बातों को गौर से देखें, ठीक है।
इसमें होता यह कि अपनी मुलाजमत की तलाश शुरू करने से पहले आपको यूरोपीय यूनियन की मुलाजमत के बाजार से वाकफियत ज़रूरी है, उस मार्केट को जाना ज़रूरी है। मुख्तलिफ ममालिक में महारतों और पेशों के लिए मुख्तलिफ मुतालबात होते हैं, अलग अलग उसके मामलात हैं। कुछ शोबे जैसे IT और इंजीनियरिंग, सेहत की देखभाल और मालियात में अक्सर बहुत से मौके होते हैं, लेकिन कुछ ममालिक में मखसूस मुल्क में काम करने के लिए या तो आपसे वो स्पेसिफिकली डिग्री मांगते हैं, या वो आपसे सर्टिफिकेशन मांगते हैं, या आपसे कुछ एक्स्ट्रा तकाजा करते हैं कि ये हमारे पास लाइसेंस जॉब है तो उसके लिए एक्स्ट्रा लाइसेंस चाहिए होगा। तो ये तमाम जो रिसर्च है ये आपको करनी पड़ती है, जॉब अप्लाई करने से पहले अपनी असेसमेंट करनी पड़ती है। वो आप खुद करें, हमसे करवाएं, अगेन कह रहा हूँ असेसमेंट से गुजरना पड़ता है आपको अगर आपने टारगेट पर काम करना है। यूरोप की एक या एक से ज्यादा जबानों में महारत भी आपको फायदा दे सकती है। वो कौन सी जबानें हैं? जर्मन जबान है, वो जबान है फ्रेंच, वो जबान है इंग्लिश, ठीक है ना। जितना आप अगर तवज्जो, अगर आप चाहते हैं कि मुझे यूरोप के अंदर काम करना है तो फिर आपको, अच्छा इस वीडियो में आपको मैं लग्जमबर्ग के हवाले से भी, जॉब के हवाले से भी आपको मैं मालूमात दूंगा, ठीक है। आप दिमाग में रखिएगा, इस वीडियो में आपको भी मिल जाएंगी, दो हिस्से हैं इसके। तो आपको इन तीनों में से कोई एक ज़बान को मेहनत करनी चाहिए। ये तीनों ज़बानें अगर आपको, तीनों ज़बानों पर अगर आपको अबूर तो नहीं होता, लेकिन अगर हेलो हाय सीख लेते हैं तो आपको ये आसानी दे देगा और आपकी एंट्री आसान कर देगा, जॉब में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन में मुलाजमत का बाज़ार इंतहाई मुसाबकती हो सकता है, ख़ासतौर पर मशहूर मुकामात और मतलूबा सनतों में। एक गैर यूरोपीय मुलाजमत की मतलाशी के तौर पर आपको मुकामी और बैन अल-अक़वामी उम्मीदवारों के साथ मुकाबला करना पड़ता है। इफ़ यू आर पाकिस्तानी तो वहाँ पर इंडियन भी होगा, बांग्लादेशी भी होगा, नेपाली भी होगा, फिलिपिनी भी होगा, भूटानी भी होगा, आपको कम्पीट करना पड़ेगा। यकीनी बनाएं कि आपका रेज्यूमे यूरोपीय तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो ऑफिस है, जब वो आपके CV बनाता है यूरोपियन स्टाइल में बनाता है, या उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं ATS के अंदर और उसका स्कोर चेक करते हैं, हम भी स्कोर चेक करते हैं, अगर 90% स्कोर प्लस है तो दैट इज़ फाइन, आपकी CV जो है वो टेबल पे आएगी, ये दिस इज़ फॉर श्योर। तो हमारी जो एक्सपर्ट टीम है दे कैन लुक आफ्टर फॉर यूर सेल्फ, अगर आप उनसे भी करवाएंगे तो वो आपकी CV, आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपकी प्रोफाइलिंग और उसको फिर अप्लाई करने का प्रोसेस, ये तमाम चीज़ें, आपको तमाम जवाब मिलने वाले हैं इसी आर्टिकल के अंदर, जो कि मेरा नहीं है आर्टिकल, ठीक है। कहते हैं कि एक कैरियर कोच भी मखसूस यूरोपीय यूनियन के ममालिक के लिए ज़ाती नौयत की मुलाजमत की तलाश की हिकमत अमली तैयार करने में मदद कर सकता है। जैसे आपको मैंने कहा है कि मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ, और मैं आप लोगों के पास इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग तो हमारे पास प्रोग्राम में इनरोल्ड है ना, यूरोपीय यूनियन प्रोग्राम्स में हैं, प्लेटिनियम प्रोग्राम्स में, वो तो हमारे पास हैं, उनको तो हम देख रहे हैं। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि जी हमने इसके अंदर अपनी असेसमेंट करनी है, अपनी काउंसलिंग करनी है, और ख़ासतौर एक प्रोग्राम में आना है उन्होंने, ठीक है ना, एक मखसूस प्रोग्राम में आना है, जिसको हम कहते हैं कि एक वहाँ पर एक बाकायदा फेस्टिवल्स लगते हैं, और हर बहुत जल्दी जल्दी वहाँ पर, जिस तरह यूरोपीय ऑब्जर्वर का आपको मैंने बताया हुआ है, तो वो हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम है, ठीक है ना, टू फाइंड जॉब इन यूरोप। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं, और मैंने कब से कहा था, कुछ लोगों ने कहा है कि थोड़ा सा प्रोग्राम को डिले करें, आगे करें, ताकि हम सब मिल सकें आपसे, 20 तारीख को फिक्स मत करें, तो ठीक है मैं देखूंगा उसको, वो हालात देखेंगे, तो उसके बाद जो है हम इसको देखेंगे। आपको मैंने 4 महीने का प्रोग्राम सबको देना है, चाहे कोई जल्दी आए या लेट आए, लेकिन देना सबको ही है। कहते हैं कि ये भी मशवरा दिया जाता है कि लिंक्डइन इन प्रोफाइल को अपडेट और बेहतर बनाएं। 90% से ज़्यादा यूरोपी आजर लिंक्डइन का इस्तेमाल करते हैं, और रोज़ाना इस प्लेटफॉर्म पर हज़ारों जॉब्स वहाँ पर डाली जाती हैं। तो मतलब ये हुआ कि जब आपको मैं कहता हूँ कि लिंक्डइन को ठीक करें, अपनी प्रोफाइल ठीक करें अपनी, तो वो खामखा नहीं होता। यहाँ पर आपको वो खुद बता रहे हैं जो कंसल्टेंट्स हैं कि भाई यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर आप उसको अपनी कैश कर सकते हैं इस चीज़ को। कैरियर कोच या एडवाइज़र वो है जो आपकी जगह मुलाजमत तलाश नहीं करेगा। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, ये जुमला बहुत ख़ास है, क्योंकि ये बात मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग हमें कह रहे होते हैं कि जी आप जॉब निकाल के देंगे, यानी कि कमेंट आता है क्या आप मुझे यूरोप में जॉब लगा कर दे सकते हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जॉब सवाल होता है। तो इसमें मामला ये है कि ये सवाल गलत है आपका। इसमें लिखा हुआ है कि कैरियर कोच या एडवाइज़र, ठीक है, कैरियर कोच एडवाइज़र, ये दोनों काम हम करते हैं। कैरियर कोच एडवाइज़र वो है जो आपकी जगह मुलाजमत की तलाश नहीं करेगा, वो जॉब की ढूंढेगा नहीं,
या आपको आज रोज से रابطہ नहीं करेगा, बल्कि ये काम भर्ती करने वाली एजेंसियों का है। तो यहां पर जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, आपको मैं बार बार क्या बोलता हूं कि यूरोप प्लैटिनियम प्रोग्राम में आइए ताकि रिक्रूटमेंट कंपनीज के हवाले आपकी प्रोफाइल की जाए, ताकि वो आपके बिहाफ के ऊपर जॉब ढूंढे। प्रोसेसिंग करना हमारा काम है, आपको हमने फाइनल कर दिया कि यू आर गुड फॉर दिस कंपनी, और उसके बाद जो है ये तमाम के तमाम प्रोसेस जो है एजेंसी का काम ढूंढना है, जॉब हमने उस जॉब के ऊपर प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, ठीक है, आपने क्या किया, ये सवाल बेकार होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर मुमकिन हो तो किसी मुल्क की सनत और सनत का इंतखाब करें, और आप जर्मनी या नीदरलैंड में काम करना चाहते हैं, क्या आप अपनी नई मुलाजमत के लिए किसी बैन अलाक्वामी तंजीम या आईटी के शोबे में तलाश करेंगे? इस किस्म के सवाल का जवाब आपकी मुलाजमत की तलाश की तवज्जो मरकूज और मौसर रखने में ज़बरदस्त मदद कर सकती है। जॉब पोर्टल्स का इस्तेमाल कीजिए और एजेंसीज का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं कि आप कंपनीज की डायरेक्ट पोर्टल्स को भी, कैरियर बॉक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं नेटवर्क बनाइए, लिंक्डइन के ऊपर आइए, अपने आप को एंगेज कीजिए, पोस्ट कीजिए। वहाँ पर 90% आजर बैठा हुआ है, एम्प्लॉयर्स बैठे हुए हैं, उनको एंगेज कीजिए, उनको उनसे बात कीजिए और उनको प्राइवेटली बात कीजिए कि जनाब अला मेरे पास ये हुनर है, मैं जॉब करना चाहता हूँ, आप मुझे किस तरह इसको असिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि जी कानूनी और इंतजामी तरीक़ाकार, वर्क परमिट का इजरा, इसके अंदर हमारा क्लाइंट कभी भी इतना माहिर नहीं होता कि वो कानूनी और वर्क परमिट के अंदर अपना परफॉर्मेंस दे, वो फिर हमारा काम है। ये बहुत लंबी बात है, इसके अंदर आप वो एक्सपर्ट नहीं हो सकते। और आगे कहते हैं कि अगर आप नीदरलैंड मुंतकिल होना चाहते हैं तो आप यहां वर्क परमिट्स के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है ना, इस लिंक को खोलिए तो यू कैन फाइंड आउट अबाउट द वर्क रेजिडेंस परमिट वगैरह। और मिसाल के तौर पर अगर आप नीदरलैंड काम करने के अहलियत की शनाख्त या ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए फिर उन्होंने एक लिंक और दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन ऑफ योर वर्क इन नीदरलैंड, आर यू क्वालिफाइड और नॉट। तो अगर आप खुद करना चाहें तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, बहुत आसान है अपने आप को असिस्ट करना, अपने आप को तमाम सिर्फ पढ़ने वाली चीज है। ठीक है ना, यू हैव टू स्टडी। ठीक है, और आपको एक कमरे में बैठकर अगर जो जवाब आप हमारे ऑफिस में 15 मिनट में मांगते हैं कि आप हमें 15 मिनट बताएं कि मैं किस मुल्क के लिए दुनिया भर में एलिजिबल हूं और किन किन ममालिक में हूं और क्यों हूं और मेरे लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, और ये 15 मिनट में जो एक हफ्ते में काम भेज सकते हैं, जल्दी में हूं, बहुत तंग आया हुआ हूं, अजाब हुआ है, बिजली के बिल बहुत ज्यादा है, तो इस हाइपरनेस से कुछ नहीं होता। ठीक है ना, आपको काम करना प्रोसेस ही होगा, तरीके से ही होगा। और उसके अंदर वो कहते हैं कि जी आप अगर अपनी सीवी भी लेके बैठेंगे ना तो आई बिलीव कि एक दिन के अंदर आप अपने आप को जवाब दे नहीं पाएंगे अपने बारे में। तो अगर आप अपने बारे में अपने आप को जवाब नहीं दे पाएंगे एक दिन के अंदर, तो सर इसका तकाजा आप हमारा ऑफिस तो बुकिंग ऑफिस है, दोबारा कह रहा हूँ, वहाँ आप बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वाकई में मालूम करना है अपने बारे में तो आप उनको बुक करवाइए, 3 दिन दीजिए ताकि वो पूरी 4 बंदे बैठकर उस पर असेसमेंट करें, और उसके बाद वो रिपोर्ट बनाए, उसके ऊपर मैं आपसे बात करूं, तसल्ली से बात करूं और जेन्युइनली हम एक पॉइंट निकाल के दें। मुंतकली और इंजमाम यहाँ पर बहुत सारी तफसील दी हुई है, वो उस पर कोई फ़ायदा नहीं है। हम चलते हैं, काम करते हैं, हम चलते हैं जॉब्स के ऊपर। बात समझ में आपको आ रही है, मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर आते हैं, ये देखिएगा। फॉर एग्जांपल लक्ज़मबर्ग की अगर मैं बात करूँ तो ये है पैनी कैरियर। ठीक है, यहाँ पर मैं आ गया हूँ, यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर पैनी एज अ एम्प्लॉयर, ट्रेनिंग, मार्केट, लॉजिस्टिक्स, हेडक्वार्टर एंड सेल्स, जॉब मार्केट, यहाँ पर तमाम चीज़ें खुल रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वेबसाइट आपके पास खुल जाएगी, इसे खुलना चाहिए। अगर ना खुले तो आप मुझे कंप्लेंट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में ये साइट खुल रही है, इंडिया में खुल रही है, बांग्लादेश में खुल रही है, कहाँ नहीं खुल रही है, देन यू विल फाइंड आउट एंड डू समथिंग फॉर दिस। 5,615 जॉब्स हैं टोटल, एज लॉन्ग एज द जॉब्स आर डिस्प्लेड हेयर इन द जॉब। कहते हैं जो जॉब्स हैं नज़र आ रही हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्टिल वेकेंट है। अगर जॉब नज़र नहीं आएगी तो उड़ गई ये जॉब। ठीक है ना, एम्प्लॉई आउट गोइंग गुड इंस्पेक्शंस। ठीक है, ये है जी मेल और फीमेल और डी। ठीक है ना, ये डी जो होता है ना डाइवर्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, अभी डिटेल में क्या बताऊंगा मैं आपको, आपके इसमें आता नहीं है। तो डाइवर्स जो हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में इन कुछ टर्म्स हैं जो पाकिस्तान में यूज़ होती हैं, कुछ टर्म्स जो हैं पाकिस्तान में यूज़ नहीं होती हैं। तो मेल फीमेल समझ में आता है आपको, काफ़ी है। आगे बढ़े जी, यहाँ पर कहते हैं देखिए, फॉर एग्जाम्पल वर्किंग स्टूडेंट ग्रुप, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेल्स पर्सन, कैशियर चाहिए। ठीक है, रिक्रूटर फोकस ऑन रिटेल रीजन ईस्ट, टेम्परेरी वर्कर चाहिए। टेम्परेरी वर्कर पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए टेम्परेरी वर्कर आ गया। टेम्परेरी वर्कर के अंदर आप देखिए लोकेशन आ गई है। ठीक है,
टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया यहां पर, जॉब आईडी आ गई है। जब आप ईमेल अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो यू शुड इन्फॉर्म देम कि मैं जॉब नंबर 872265 की बात कर रहा हूं, ताकि वो सर्च करके आपको निकाल सकें। ठीक है, यहां पर वो पूरी बात बता रहे हैं कि जी हम कौन हैं, क्या हैं, 30,000 एम्प्लॉयर्स हमारे पास हैं और हमारे पास 2,140 ब्रांचेज हैं, 10 लॉजिस्टिक लोकेशन हैं एंड सो एंड सो फोर्थ। यू कैन मेक अ बिग डिफरेंस विद अस, आप कामयाब हो जाएंगे, यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ अवर टीम, आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, यू कैन लुक फॉरवर्ड टू अलॉट विद अस एंड सैलरी राइट एंड इवन मोर ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हो गई हैं। तो यहाँ पर आप इस तमाम चीज़ें जो हैं, ये देखिए उन्होंने नंबर भी दिए हुए, तमाम चीज़ें दी हुई हैं, तमाम मालूमात दी हुई हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से मालूमात लेकर के इन कंपनीज़ को आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तक बात कर रहा हूँ कि अगर आप कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल मैंने इस कंपनी को डायरेक्ट अप्लाई करना है, तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम इसमें है नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप आइए, ये देखिए मैं दोबारा आपको लेकर आता हूँ यहाँ पर, तो ये आपको समझ में पूरा आ गया। अब आप कहते हैं मैंने इसमें अप्लाई कैसे करें, अप्लाई का तो कोई बॉक्स है ही नहीं। बिल्कुल जी, अप्लाई का बॉक्स इसमें बिल्कुल है, ये रहा अप्लाई का बॉक्स, अप्लाई नाउ पर क्लिक करें तो आपके सामने चैट स्टार्ट हो जाएगी, फिल आउट फॉर्म आ जाएगा। आप इनसे बात भी करना चाहते हैं बात कीजिए, चैट कीजिए, फिल आउट फॉर्म करना है तो फिल आउट फॉर्म भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और आपके सामने ये तमाम डिटेल्स जो है अप्लाई करने की टेम्प्रेरी वर्कर के लिए लग्जमबर्ग में वो आ जाएगी। ठीक है, आपके सामने टेम्प्रेरी वर्कर की डिटेल आ गई है, ये पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर पूरी दी हुई है, आसान है, मुश्किल नहीं है। फॉर्म भरना है आपको खाली, आई एम नॉट रिपोर्ट करना है और यहाँ पर आपने फाइनली सबमिट कर देना है, सेंड कर देना है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अपने सीवी अटैच करनी है और सेंड कर देना है। मैं इसको नहीं भरूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इस टाइम खुल भी नहीं रहा है मेरे सामने, लेकिन यहाँ पर बस खुल जाएगा और उसके बाद जो है आप इसके ज़रिए अपनी डिटेल दीजिएगा। डिटेल देने के बाद, क्योंकि मैं इसको बार बार खोल रहा था तो अब वो इनकारी हो गया, तो यहाँ पर जो है आप नॉट, आई एम नॉट रिपोर्ट, इस पर क्लिक कीजिएगा, टर्म एंड कंडीशन पे वो एग्री कर दीजिएगा और उसके बाद आप सेंड कर दीजिएगा अपनी तमाम मालूमात, आपका नाम, आपका तमाम चीज़ें, तो जो जो सवालों करें सवालों के जवाब दीजिए और उसके बाद अपनी सीवी अटैच कीजिए, कवर लेटर अटैच कीजिए, सेंड कर दीजिए। आप टेम्परेरी वर्कर के लिए आपका काम होना चाहिए, मतलब हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके अंदर फिर जब दोबारा अप्लाई करें तो उसके बाद दोबारा से ये देख रहे हैं रेफरेंस नंबर दीजिए, जॉब का रेफरेंस नंबर दीजिए, दोबारा पूरा दोबारा अप्लाई करें। अगर सेल्फ अप्लाई करना है, खुद अप्लाई करना है, तो आपको इन तमाम चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन किसके लिए है ये, टाइम किसके लिए है ये, मेरा टाइम किसने ले लिया, ये आपने ले लिया, आपको मालूमात दी गई हैं, आपको फ़ायदा हुआ होगा और आप अपनी तमाम चीज़ों को ऑर्डर में लाइए, अपने दिमाग को भी ऑर्डर में लाइए और प्रॉपरली अपने लिए सीरियस हो जाइए। क्योंकि ये ना हो कि लेट करते करते हमसे बिगाड़ते बिगाड़ते या काउंटर पे आके जिद करते करते ये ना हो कि टाइम भी निकल जाए और उसके बाद जो है मामलात और बिगाड़ की तरफ जाएं, तो मुनासिब नहीं है। आई एम श्योर कि ये आप जानते हैं कि मुनासिब नहीं है। नुकसान किसका है ये आप ही जानते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।